तो दोस्तों अभी हम हैं अमृताचार्य जी के वृद्धाश्रम और जहाँ पे उन्होंने सभी लोगों के लिए फ्री खाना ऊपर रखा है और ये नया भी उन्होंने जो 280 वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम शुरू किया था वो अभी छोटा पड़ गया क्योंकि 280 महिलाओं के लिए पर्याप्त था, लेकिन इससे बड़ा और महिलाओं के लिए वृद्ध महिलाओं के लिए आश्रम बना रहे हैं दोबारा, जो वहाँ उसका सिलेक्शन करने आए हैं तो आपको दिखा देते हैं, वो सामने ही है वो तो ये दिखाएंगे आपको, वो अभी सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको दिखा देते हैं तो दोस्तों अभी हम हैं अमृताचार्य जी के वृद्धाश्रम और जहाँ पे उन्होंने सभी लोगों के लिए फ्री खाना ऊपर रखा है और ये नया भी उन्होंने जो 280 वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम शुरू किया था वो अभी छोटा पड़ गया क्योंकि 280 महिलाओं के लिए पर्याप्त था, लेकिन इससे बड़ा और महिलाओं के लिए वृद्ध महिलाओं के लिए आश्रम बना रहे हैं दोबारा, जो वहाँ उसका सिलेक्शन करने आए हैं तो आपको दिखा देते हैं, वो सामने ही है वो तो ये दिखाएंगे आपको, वो अभी सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको दिखा देते हैं दोस्तों, वो जो ये वृद्धाश्रम बन रहा है वो बड़े लेवल पर उसका खुद स्वयं श्री अमृताचार्य जी सर्वेक्षण लेने आए थे कि खुद जांचने आए थे कहीं क्या कमी कहाँ रह रही है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सुंदर मुख्य तरीके से बनाया जा रहा है और आपको अंदर भी दिखाया था कि खाना कैसे बनाया जाता है और कैसे वितरित किया जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी इन जो लोग गाली देते हैं उल्टा अनाप शनाप बोलते हैं,
रोड पर लोगों के लिए रहने का स्थान और खाने पीने की व्यवस्था करके दी गई। एम्बुलेंस भी कितनी बनाई गई यहाँ पे, तो उनको वृद्धाचार्य जी ने बहुत व्यवस्था की है। वृद्धाश्रम हृदय के ऊपर कितने मंदिर रहने का और खाने का ये व्यवस्था बन रही है। हृदय को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जी भी आगे बढ़िए। आप लोग महाराज जी का दर्शन करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में सेकेंड फ्लोर में वृद्ध माताएं रह रही है, आप भी जाइए प्रसाद पाइएगा। गौ सेवा बंदा सेवा आप भी उनको सेवा करना चाहते हैं तन से मन से धन से, तो आप लोग बड़ा इधर उधर सफर कर सकते हैं। सबसे बना रहेगा किसी बना में आप इतनी सेवा करना चाहते हैं भैया। गोपदान दान पात्र में डालिएगा। साधु सेवा संत सेवा चलो भैया खड़े बन रही है भैया आगे बढ़िए। सामने खंड प्रसाद चल रहा है, प्रसाद पाइएगा। गौ सेवा बंधन सेवा साधु सेवा करना चाहते हैं कार्यालय में संपर्क करें भैया, दान दे करके दान के सिलेबस प्राप्त करें। धन्यवाद महाराज, आपने मच करवा दीजिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन करें नीचे खंड प्रसाद चल रहा है, प्रसाद पाइए। गौ सेवा बंदर सेवा साधु सेवा करना चाहते हैं अरे अंदर संपर्क करें भैया, दान दे करके दान के दोस्तों। अभी मैं हूँ अनुरुद्धाचार्य जी के वृद्धाश्रम में, जो इन्होंने विश्वासीमयी माताओं के लिए किया है, तो आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये और माताएं के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है जो विश्वासी माताओं के लिए।